بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي في شأنه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الرؤوف الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم واخيه سيدنا علي المرتضى كرم الله وجهه الكريم وسيدة طيبة طاهرة الكريمة والحسنين الكريمين وسيدة زينب شهداء كربلاء اهل بيت الاطهار وآله واصحابه وازواجه واتباعه و سیدی مرشدی عبدالقادر جیلانی کریم و ابن کریمین و آلہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ. انتہائی قابل قدر جناب محمد کاشف صاحب خانہ و صاحب دعوت احباب منہاج القرآن تحریک علماء کرام نعت خواں حضرات مہمانان گرامی حافظ صابر صاحب اور اکاڑا سے آئے ہوئے قافلہ کے مہمانان الحمدللہ آج کی یہ مختصر سی محفل پاک جو کہ جشن مولود کعبہ سیدنا مولا کائنات مولا کل اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے جشن کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اہل بیت کی فضیلت اور مقام کے صدقے مولا کائنات کے یوم ولادت کے صدقے
और औलिया अल्लाह के फैज़ान के सदक़े मेरी और सब आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। अली शाह हैदर इमामन कबीरा, अली शाह हैदर इमामन कबीरा के बाद अज नबी शुद बशीरन नज़ीरा। हाज़रीन कराम, आज की महफ़ल मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम की यौमे विलादत के हवाले से, जश्न के हवाले से और आपकी शान और फजीलत के बयान के हवाले से है। मौला अली की शान और फजीलत तो बयान करना दरकनार, हम तो आपके कदमों की खाक के मुकाम को भी बयान नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाना मकसूद है। हाजरीन, अब अपने मौजू की तरफ चलता हूँ और बड़े इख्तसार के साथ, वक्त तो काफ़ी ज़ाया हो गया चूँकि हम लोग रास्ते में थे और ट्रैफिक की वजह से लाहौर में इतने लेट हो गए कि फिर बड़ी देर से पहुँचे, जिस वजह से माफल भी देर से शुरू हुई। बहरहाल हमारी ज़िंदगी की सारी रातें चूँकि हमारे लिए होती हैं, हमारी मर्ज़ी से होती हैं, आज की रात मौला अली के नाम, उनकी ज़ात पाक के लिए बिल्कुल ईजी होकर बैठ जाए। हर तरह के फिक्र, हर तरह की सोचों को दूर करके, परेशानियों को पीछे रख के मौला अली दे नाम अज दी रात जी है इनू कर दो। हाजरीन, ये जो आया मुबारक है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, कि ऐ अहले बैत, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ का इरादा फरमा चुका कि वो तुम से हर तरह के रिज्स को, हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दे। ये आयत तो सुनते रहे ना आप। अब इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व ताला के फरमान का मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है ए अहले बैत, अल्लाह इस चीज़ का इरादा फरमा चुका कि वो तुम से हर तरह के निजस को दूर फरमा दे, नापाकी को दूर फरमा दे। अब जो नापाकी से बचे, जो नापाकी से बचे, जिस तक नापाकी पहुंचे और वो नापाकी से बचे, वो सहाबी और मोमन। जो नापाकी से भागे, जो नापाकी से भागे उसको कहते हैं सहाबी और मोमन, और नापाकी खुद जिससे भागे, नापाकी खुद, नजासत खुद जिससे दूर भागे, जिसके करीब जाने की इजाज़त ना हो, उसको कहते हैं अहले बैत। नजासत को जिसके करीब जाने की इजाज़त रब ना दे, उसको अहले बैत कहते हैं। और जिनके मुकाम व मर्तबत, जिनके मुकाम तहारत का आलम ये हो कि हज़रत सैयदाए कायनात तैयबा ताहिरा अलैहा सलातो सलाम, आप जोहर की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठी हैं, इतने में हज़रत मौला हसन की वलादत की तकलीफ़ होती है, मुसल्ले से उठकर जाती हैं। हज़रत मौलाना इमाम हसन अलैहि सलातो सलाम की वलादत होती है, अपने बच्चे को उठाया, कपड़े में लपेटा, रखा, इतने में थोड़ी देर के बाद असर की अजान होती है। असर की अजान होती है तो सैयदाए कायनात उसी तरह फिर मुसल्ले पे खड़ी। जिनके कायनात में आने से इतनी भी नजासत जाहिर ना हो कि जिससे गुसल तो क्या वजू भी फर्ज हो, उन जातों को अहले बैत कहते हैं।
जिनके आने से, जिनके जहूर से इतनी सी भी निजासत ना आए कि गुसल तो टूटना दूर की बात, जिससे वजू भी ना टूटे, उन हस्तियों को क्या कहते हैं? अहले बैत कहते हैं। उन हस्तियों को अहले बैत कहते हैं। और आज का अगर कोई बंदा ये कह दे कि जी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वजू नहीं था माशाल्लाह, और इस वजह से उन्होंने आखिरी टाइम में जो नमाज थी वो नहीं अदा की, वैसे सजदा किया, तो भाई नजासत को हुक्म नहीं है कि वह अहले बैत के करीब जा सके। खुद पानी जिनसे तहारत की खैरात मांगे, जिनके जिस्म से लगने से पानी को पाकिजगी मिले, पानी उनको लगे वो नहीं पाक होते, जो पानी उनके जिस्म अकदस को मस करे वो पानी पाक हो जाता है। इसीलिए सहाबा की ये सुन्नत है, आपने सुना होगा उलमा से कि जदों अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते सी तो सहाबा रसूल अल्लाह दे जिंदगी दे अंदर कदे वजू का पानी जमीन ते नहीं डिगण देता। जो पानी रसूल अल्लाह इस्तेमाल फरमाते थे, जो मुस्तहमल होता था, तो सहाबा का ईमान था कि ये पानी रसूल अल्लाह के जिस्म से लगा और पाक हो गया, ये पाक हो गया। जिन हस्तियों से खुद अशियाए वजू पानी तहारत की खैरात ले, तहारत की खैरात ले, उन हस्तियों को अहले बैत कहते हैं। और ये भी याद रख लो कि अहले बैत दी शान ये नहीं कि फकत शिया दी विरासत है, और ना ही अहले बैत दी शान बयान करना, इस तो मुराद और मकसद ये है कि माज़ अल्लाह सहाबा कराम दे मुकामो मर्तबे दी तनकीस करना। बात समझ रहे हैं? अहले बैत हमारा ईमान है, हमारा ईमान है, खाली ईमान नहीं, ईमान कुल है। अहले बैत हमारा ईमान कुल है, सहाबा हमारी शान है, सहाबा हमारी शान है, अहले बैत हमारा ईमान है। तो अहले बैत के हवाले से कुछ चीज़ें गोश गुजार करके ना फिर अपने मौजू की तरफ चलता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ाते पाक के हवाले से जिसनु मुहम्मद रसूलल्लाह जैसी हस्ती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपने कंधों पे उठाए वो सहाबी, जो रसूलल्लाह को बैठने के लिए उनकी निशस्त के लिए अपना कंधा दे सहाबी, और जिसको रसूलल्लाह उठाने के लिए अपनी पुश्त दे उसको कहते हैं अहले बैत। जड़ा नबी नू चुके सहाबी, तो जिनू नबी खुद चुके अहले बैत। और ये भी याद रखें कि अभी नात के अंदर ये कलाम पढ़ा जा रहा था कि अल्लाह के नबी सजदे में हुसैन कंधों पे, जिब्राइल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े, और अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, रब कहंदा है जिस वक्त तक हुसैन मर्जी नाल ना उतरे, मर्जी नाल ना उतरे, सजदे विच सिर नहीं चुकना। सुभान अल्लाह। अब आपको बात समझाता हूँ, याद रखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की तवालत के लिए हुक्म दे दिया गया, जो मुकाम ताजीम में हो उनको कहते हैं अहले बैत। ताजीम किसकी? हुसैन की। सजदा मुस्तफ़ा का, सबक सहाबा के लिए और उम्मत के लिए कि जिनको मुकाम ताजीम पर रखना है वो कौन है? अहले बैत। जिन्होंने सिर उत्ते रखना ना, कंधे अंदर चुप के रखना, कौन है? अहले बैत। जो मुकाम
रजा के अंदर मुकाम ताजीम में हो अहले बैत, और जब हुक्म उतरे अल्लाह के नबी की अमामत में जो सजदे को तवील कर दें, जो मुकाम तस्लीम में हो रसूल अल्लाह का सहाबी, जो मुकाम तस्लीम में हो सहाबी, जो मुकाम ताजीम में हो अहले बैत। और बुखारी शरीफ का बाब है, बाब तकबील और रिज। जो पढ़े लिखे उलमा वो समझते हैं कि बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा जिसमें सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन को चूमा, अल्लाह के नबी के कदमों को चूमा, जो रसूल अल्लाह के कदम चूमे सहाबी, और जिनको कंधों पे बैठ के बिठा के दोशे नबूवत पे बिठा के रसूल अल्लाह जिनके कदमों को चूमे उनको कहते हैं अहले बैत। बात समझ आ रही है? जिनको कदमों को रसूल अल्लाह अपने कंधों पे बिठाए हैं और जिनके कदमों को चूमे उनको क्या कहते हैं? अहले बैत। कबूले इस्लाम के बाद, कबूले इस्लाम के बाद जो इस्लाम से ईमान से हिस्सा ले सहाबी, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने के बाद जो इस्लाम से हिस्सा ले, जो ईमान से हिस्सा ले उसको कहते हैं सहाबी। और जो कुल्ले ईमान हो, जो कुल्ले ईमान हो उसको कहते हैं रसूल अल्लाह का अहले बैत, उसको क्या कहते हैं? अहले बैत। और दूसरी तरफ ये देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थानू समझ आंदी जाती है मुकाम सहाबा और मुकाम अहले बैत को पहले समझो। वो सारे अहले बैत सहाबी हैं मगर हर सहाबी अहले बैत नहीं है। अहले बैत रसूल अल्लाह से हैं, अहले बैत रसूल से, अली मिन्नी, फातिमा तुम बता तुम मिन्नी, हसन मिन्नी, अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन। जो रसूल की जात से हो वो अहले बैत, जो रसूल का हो वो सहाबी। जिनकी जात को निकाल दिया जाए तो रसालत नामुकम्मल हो जाए, रसालत नामुकम्मल हो जाए। रसूल अल्लाह का दीन इस्लाम, रसालत की इब्तदा ज़र्ब हैदर से होती है और इसकी इंतहा सजदा शबीरी पे होती है, इंतहा सजदा शबीरी पे होती है। अहले बैत नू कट दोगे तो रसालत नामुकम्मल, रसालत नामुकम्मल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाफिज़ साहब इधर आए ना, दूसरा माइक इधर है। मरहबा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठे हैं और खुतबा फरमा रहे हैं, जुम्मे का खुतबा हो रहा है। इतने में थोड़ी सी ताखीर के साथ हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर मौला उमर तशरीफ़ लाते हैं और सहाबा की तवज्जो हज़रत उमर की तरफ जा रही है और वो उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ती है सहाबा पे और हज़रत उमर को आता देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि उमर के आने की वजह से सहाबा की तवज्जो जो है वो उमर की तरफ जा रही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कुर्बान, उनके आगे तो नबियों का मुकाम नहीं है। उसी वक्त अपना दस्ते मुबारक बुलंद करते हैं और फरमाते हैं, या उमर इजलिस फी मुकामिक, उमर जिधर से आ रहा उधर ही बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जिस मुकाम पे पहुंचे वहाँ सहाबा की जूतियाँ रखी थी। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आता है
हजरत उमर उधर बैठ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में हजरत उमर वहां पे बैठ जाते हैं और वही अल्लाह के नबी हैं। मस्जिद नबवी का मिंबर है, जुमे का खुतबा और है, हजरत सईदाए कायनात के दरवाजे का पर्दा उठता है, सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम बैठ तशरीफ लाते हैं और आप इतने छोटे हैं कि आप चलते हैं तो डगमगाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तवज्जो हुसैन की तरफ, पूरी की पूरी तवज्जो मौला हुसैन की तरफ। इतने में उनके पीछे दौड़ते हुए हजरत इमाम हसन तशरीफ लाते हैं। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा सहाबा को दे रहे हैं, तवज्जो हसनैन की तरफ। उधर फरमाया कि सहाबा अपनी तवज्जो को उधर मत करो, उमर आ रहा है तो उसको हुक्म है बैठ जाए। इधर रसूलुल्लाह की अपनी तवज्जो हसनैन की तरफ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डगमगाने लगते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खुतबा छोड़ देते हैं, खुतबा छोड़ देते हैं और खुतबा छोड़ के जाके इमाम हसन हुसैन को उठाते हैं और अपनी गोद में ला के बिठाते हैं, फिर खुतबा शुरू करते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के एहतराम में रुक जाए सहाबी, जिसके लिए रसूलुल्लाह का खुतबा रुक जाए, रसूलुल्लाह के आले बैत, जो रसूलुल्लाह का हुक्म सुन के बैठ जाए सहाबी, और जिनके लिए रसूलुल्लाह खुद उठ के खड़े हो जाए, उनको कहते हैं अहले बैत। उनको क्या कहते हैं? अहले बैत। अल्लाहु अकबर। और दूसरी चीज़, अब मैं इसको मुख्तसर कर देता हूँ चूँकि मेरा मौजू ज़्यादा आगे बढ़ गया तो ये मैं इसी पे सारा बयान हो जाएगा। दूसरी चीज़ है भी याद रखो कि जिन्होंने कुरान नू सिर ते चुकिया, जो कुरान को सर पे उठाए उसको कहते हैं सहाबी, और जिसनू कुरान चुके, अल्लाह अकबर, जिसके कदमों को कुरान उठाए उसको कहते हैं अहले बैत। उसको क्या कहते हैं? अहले बैत। हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जब कट गया, सर कट गया, सुनने वालों ने सुना कि कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। आज तक तो आपने यही सुना है ना कि हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत कर रहे थे। नहीं, जो कुरान की तिलावत करे सहाबी, और जिसकी कुरान खुद तिलावत करे उसको अहले बैत कहते हैं। उधर आवाज हुसैन की, तिलावत कुरान हुसैन की करता था, ना कि हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत करते थे, कुरान हुसैन की तिलावत करता था। दुनिया ने सुना तो समझा कि हुसैन कुरान की तिलावत करता है। जो कुरान की तिलावत करे सहाबी, और जिसकी कुरान खुद तिलावत करे उसको कहते हैं अहले बैत। उसको क्या कहते हैं? अहले बैत। और एक सादा जो तो उन्होंने बड़ा मुख्तसर जो फ़र्क समझा देना, याद रखो जिनकी पुश्त से, जिनकी सुल्ब से, जिनकी नस्ल से रसूल अल्लाह की उम्मत चली, उनको कहते हैं सहाबा। उनको क्या कहते हैं? सहाबा। और जिनकी पुश्त से, जिनकी सुल्ब से रसूल अल्लाह की आल चली, बड़ा बड़े नुक्ते की बात है, जिनकी पुश्त से उम्मत चले उसको कहते हैं सहाबी, और जिनकी पुश्त से रसूल अल्लाह की आल चले उसे क्या कहते हैं? अहले बैत कहते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारका है और इसे मसनद इमाम अहमद बिन हमल के अंदर, कनूज़ुल हकाइक के अंदर और ज़खायरुल उकबा के अंदर भी दर्ज किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारका है, नहनु अहलल बैत ला युकासु बिना अहदुन, कि हम वो अहले बैत हैं जिन पर, याद रखो,
कि कभी किसी को कयास ना कर, उनके तोल में उनकी परख में कभी किसी दूसरे को ना लेके आना, जिन्हां दी परख ते तोल में कोई ना आवे उन्होंने कहने अहले बैत, उनको क्या कहते हैं अहले बैत। और ये भी याद रखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौला अली के बारे में, क्या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनन वला यबगदुका इल्ला मुनाफिकन, फरमाया ना। यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की ज़ात को तराजू और मीज़ान बना दिया, परखने का मीज़ान बना दिया, तोल बना दिया। और जो मीज़ान बने, जो मीज़ान बने उसको कहते हैं अहले बैत, और जो मीज़ान में पूरा पूरा तुल जाए उसको कहते हैं साबित, बगैर कमी बेशी के जो उस तोल में पूरा पूरा तुले ना उस ज़ात को क्या कहते हैं सहाबी। इसीलिए फरमाया नहनु अहलल बैत ला युकासु बिना अहद, वो हम अहले बैत पर किसी को भी कयास ना किया जाए, किसी को भी कयास ना किया जाए। और अब बितख़सीस मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से कुछ चंद चीज़ें आपकी कोशिश गुजार करता हूँ, और मैं पूरे मौजू का इहाता नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। एक हदीस मुबारक रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, कि मैं और अली जुदा जुदा ना समझना, फरमाया मैं और अली दोनों अजल से चले तो एक नूर थे, अजल से चले तो एक नूर थे, अब जबकि कायनात ना थी, ना जमा था ना मकान था, नूरे मुहम्मदी था, नूरे मुहम्मदी था, और जब से नूरे मुहम्मदी था तब से नूरे अली था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कुंतु नबियम आदम बैनल मा वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था, मुकाम नबूवत पे था, मेरी नबूवत थी, आदम नहीं थे, आदम नहीं थे। अल्लाह अकबर। तो नबूवत किस पे थी? आलम मलकूत पे, आलम अरवाह पे, आलमीन पे रसूल अल्लाह की नबूवत थी। और जब से रसूल अल्लाह की नबूवत आती है तब से अली की वलायत आती है। जिस जिस जमाने से चल के रसूल अल्लाह की नबूवत आती है उस दौर से चल के अली की वलायत आती है। फिर वापस जाओ अना वालियुम मिन नूर वाहिद। या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज की थी कि जदों कुछ भी नहीं सी या रसूल अल्लाह तो हाड़ा नूरे पाक सी तो तुसी करदे की सी, तो फरमाने लगे कि मैं अल्लाह की हमदो सना करता था, अल्लाह की हमदो सना करता था, और अल्लाह मेरे दुरूदो सलाम भेजता था, अल्लाह मुझ पर दुरूद पढ़ता था, मैं अल्लाह की हमद करता था। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के नबी, आलम मलकूत के नबी, आलम अरवाह के नबी, आलम जिन्नात के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन और अली मौलाए आलमीन, सारे जहानों के मौला वलीउल आलमीन। अब दुनिया में नहीं आए, अल्लाह की बारगाह में मुकाम नूरानियत पे, मुकाम नबूवत पे अल्लाह के नबी और मुकाम वलायत पे मौला अली फ़ाइज़ है। सिर्फ रसूल अल्लाह की उम्मत के मौला नहीं, सारे नबियों के भी मौला। भाई जे तुहाड़ा जहन हाजिर है तुहानू गल दसा अगली,
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मौला अली आदम के भी मौला, नूह के मौला, इब्राहिम के मौला, इस्माइल के मौला, ईसा के भी मौला, मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, मुख्तसर करता हूँ मौजू पर। ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कैद कर लिया और ले जा के जंदान के अंदर खड़ा कर दिया, जंजीर डाल दिए, और इरादा ये है कि सुबह ईसा को फांसी चढ़ानी है। गल समझ आ रही है? अब जब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उस कैद के अंदर, जंदान के अंदर हैं, तो अंजीले मती के अंदर, अंजीले मती के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी सी ना, मती, मराकज़, योहना, बरनबास, जिस तरह रसूल अल्लाह के सहाबी थे सैयदना अबू बकर सदीक, मौला उमर, ये उनके सहाबी हैं। अंजीले मती के अंदर लिखा है कि ईसा पुकार 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 के कह रहा था, दुआ मांग रहा था, ईसा की आंखों में से आंसू चल रहे थे, आंसुओं की लड़ी थी, और ईसा सर झुका के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे थे, एली एली लिमा शबकतानी, अल्लाह अकबर, लिमा शबकतानी। ईसाइयों की किताब में लिखा कि वो पुकार 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 के कह रहे हैं कि एली एली लिमा शबकतानी। इतने में ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है और आसमान से ज़मीन की तरफ एक नूर उतरता नज़र आता है। वो नूर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है तो वो मुजस्सम हो जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम नु जदों हाथ तो पड़ता है तो वो कड़ियाँ जंजीर तोड़ जाने। अब वो नूर, मुजस्सम नूर, हज़रत ईसा को बाजू से पकड़ता है और ले के आसमानों की तरफ परवाज़ करने लगता है, लेके आसमाना की तरफ जान लगा। तो हूँ हज़रत ईसा के जोड़े सहाबी ने उच्चों पास छुप के बैठे थे अपने नबी की हफाजत में, उनकी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि पता नहीं हमारे नबी के साथ क्या बनता है। इस इंतज़ार में जो बैठे हुए हैं तो उन्होंने जब देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम नूर के साथ आसमान की तरफ जा रहे, उन्होंने आवाज़ दे के पूछा कि ए ईसा, यसु मसीह कहाँ जा रहे हो? ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दे के, जवाब में फरमाने लगे कि मेरा बाप आ गया मुझे लेने के लिए। अल्लाह, मेरा बाप आ गया मुझे लेने के लिए और मैं अपने बाप के साथ जा रहा हूँ। जब ईसाइयों ने यह सुन लिया ना, अब वो बड़े बड़े चूंकि खुलाफा थे, ये आगे जितने भी ईसाइयों के फिरके चलते हैं ये सब उनसे चलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी रसूल अपनी जबान से जाते हुए कह गया कि मेरा बाप आ गया मुझे लेने के लिए। अब यहाँ से ईसाइयों ने क्या समझा और क्या जाना? उन्होंने कहा कि भाई खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माज अल्लाह ज़मीन पर आ गया, अल्लाह आया, अल्लाह ने ईसा को पकड़ा, अपने साथ लेके आसमानों पे चला गया और जाते हुए हमें खुद नबी और रसूल अपनी ज़बान से बता गया कि मेरा बाप आ गया मुझे लेने के लिए। अब यहाँ से आके ईसाइयों के फिरके बनना शुरू हो गए और उनका इस बात पे ईमान बन गया कि ईसा अल्लाह का बेटा है। ये वो गल है जिड़ी तुहानू मैं ईसाइयों की दसदा, गल समझ आ रही है? अब ईसा अल्लाह के नबी और रसूल, झूठ तो नहीं ना बोल सकते। अब ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सुनने वालों ने क्या सुना और समझने वालों ने क्या समझा? अब इसी को अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मसलु ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलकहु मिन तुराब, कि ईसा की मिसाल अल्लाह की बारगाह में ऐसे है जैसे आदम की मिसाल, मैंने उसको तुराब से पैदा किया, मैंने उसको तुराब से पैदा किया। तुराब से कौन पैदा हुआ? आदम, हज़रत आदम पैदा हुए, और अल्लाह फरमाता है ईसा भी ऐसे ही तुराब का बेटा है जो फलसफियों से खुल न सका,
नुकतावरों से हल ना हुआ, कायनात भटक गई, कायनात इस राज में भटक गई, मजहब बन गए, लोगों ने ईसा को खुदा का बेटा बना लिया। और इसी को इकबाल ने फरमाया, जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल ना हुआ, वो राज कमली वाले ने बतला दिया चांद के इशारों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला अली अबू तुराब, अली अबू तुराब और मौला अली नहजुल बलागा में खुद लिखते हैं, फरमाते हैं कि आना एली फिल अंजील, और अंजील मुकद्दस के अंदर जिसको रब ने एली कहा वो मेरी जात है, जिसको रब ने एली कहा मेरी जात है। ईसा दुआ क्या मांगते हैं, एली एली लिमा शबकतानी। अब सुने, इसका जवाब किसी माई के लाल के पास नहीं है। जे मौला अली नू नूरे आजाली नहीं मानना तो फिर जो ईसाई का नन मान लो, तो जो वो कहते हैं मान लो, क्योंकि वो जो कहते हैं वो कहते हैं जो उन्होंने नबी की जुबान से सुना, और हम वो कहते हैं जो हमने अपने नबी की जुबान से सुना। अना वाली उम्मीद नूर वाहिद, अली को नूर अजली नहीं मानना, अली की वलायत को अजली नहीं मानना, फिर मान लो जो ईसाई कहते हैं वो ठीक है। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर सुन लो जो अल्लाह के हबीब कहते हैं, जो मौला अली फरमाते हैं और जो अहले तरीकत कहते हैं वो ठीक है। अल्लाह नहीं आया माज़ल्लाह ज़मीन पे, ना अल्लाह का नूर आया कि वो मुजस्सम हो के ईसा को लेके जाता, वो नूर मौला अली का था, वो नूर मौला अली का था। मौला अली पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ के आसमानों पे ले जाके मौला अली ने ईसा अलैहिस्सलाम को कहाँ बिठाया, चौथे आसमान पे। और मैं अल्लाह को गवाह बना के मौला अली की यौमे विलादत के मौका पे मैं आपको बताता हूँ, अपनी आंखों से जो चीज़ मैंने देखी है, मौला अली पाक को तमाम नबियों के दरमियान चौथे आसमान पे मैंने अपनी आंखों से देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनके कर्म की बात बताता हूँ, अपनी बात नहीं बताता, उनके कर्म की बात बताता हूँ। मौला अली ने हज़रत ईसा को पकड़ा और चौथे आसमान पर जाके बिठा दिया। अब मौला अली ले गए, पहला इमाम ले गया चौथे आसमान पे, और वलियों का जो बारहवां इमाम आएगा, आखिरी इमाम आएगा, वो ईसा को वापस उतार के फिर ज़मीन पे ले वो इमाम वापस ईसा को फिर ज़मीन पे उतारेगा। और याद रखो कि वो नूर पाक अना वाली मिन नूर वाहिद, जब वो नूर आगे चला हज़रत अब्दुल मुतलब की पेशानी तक एक नूर। अब फ़र्क भी समझ लो, थानू समझ आ रही है ना शान साहबा शान अहले बैत से, कि जो आदम की पोश से चले, जो आदम की पोश से चले वो सारे के सारे रसूल अल्लाह के उम्मती कहलाए। मोहम्मद आले मोहम्मद में फ़र्क क्या है, आले मोहम्मद में और आम उम्मती में फ़र्क क्या है, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा, आम इंसान का हमीर आदम की पोश्त में रखा, आम इंसान आदम की पोश्त से चला, मोहम्मद आले मोहम्मद हजरत आदम की पेशानी से चले। जब हज़रत अब्दुल मुतलब की पेशानी तक पहुँचे, मुख्तसर करता हूँ, एक नूर आगे वलायत का नूर हज़रत अबू तालिब की पेशानी में, वलायत का नूर अबू तालिब की पेशानी में, एवं नहीं उन्होंने सारी ज़िंदगी रसूल अल्लाह की वलायत की थी, वलायत का नूर अजल से जो लेके आए ना सुबहान अल्लाह, हज़रत अबू तालिब की पेशानी में, नबूवत का नूर हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में, और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ़ लाते हैं, और शार्ट करके आगे चलो,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दरबारगाह में दुआ मांगते हैं, और दुआ क्या है? वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। वजअल्ली मिन लदुनका, या अल्लाह अपने कोलो, अपने पलो, अपने पास मुझे मददगार अता फरमा। रब ने क्या किया, अच्छा मेरे नबी ने मेरे तो मंगया, मेरे कोलो, मेरे पलो मंगया, तो हूँ मैं देना उतो है जिथे मेरा घर है। अल्लाह अल्लाह ने इसलिए मौला अली की वलादत के लिए काबे को चुना, क्योंकि रसूल अल्लाह ने फरमाया था वजह अली मिल्ला दुन का, या अल्लाह अपने कोलो दे। रब ने कहा मौला अली की वलादत के लिए अल्लाह ने जिस घर का तायन फरमाया वो घर अल्लाह का। घर किसका? अल्लाह का। वो लोगों को तकलीफ होती है, कहना नो जी काबा पाक मुकाम, वलादत एक नापाक अमल, ते इन्हें समझ नहीं आई कि ये वो जाता ने कि नापाकी इन्होंने करीब जाने का हुक्म ही नहीं। जिधर मौला हसन की पाकीजगी का ये आलम है, तो सोचे उनके बाबा मौला अली की पाकीजगी का आलम क्या हो। काबे में आए, अब सुने एक बड़ी अकीदे की और अकल की बात करता हूं, जिद अकल होएगी ना उन्हें समझ आएगी। काबा पत्थर का, सीमेंट का बना हुआ, गारे का बना हुआ एक मुकाम कि जिसको मुसलमानों की नमाज के लिए डायरेक्शन और सिमत के लिए अल्लाह ताला ने तयन फरमाया। साड़ा तोड़ा तो हथा का बने का मिस्त्रियों के हथा दियाँ लगी दियाँ दीवारा, रब उस नहीं, अल्लाह तो नहीं ना उसके अंदर महदूद हो गया। इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सजदे के लिए पसंद फरमाया, मुसलमानों के काबा के लिए पसंद फरमाया, तो अल्लाह ने उसको अपना घर बना लिया। अगर बिज़ात ही बनफ़से ही काबे की इमारत को भी एक तरफ रखें, मौला अली की ज़ात को एक तरफ रखें, तो इस तरह का लाख काबा मेरे अली पे कुर्बान, अली के तकद्दस और एहतराम पे, अली के एजाज पे लाखों काबे कुर्बान। इन्हां नूं काबा बड़ा नजर आता है, अली छोटा नजर आता है। ये काबे का एजाज है, ये काबे की इज्जत है, ये काबे का तकद्दस है कि मेरे अल्लाह ने काबे के तकद्दस के लिए अली को चुना। अली आए काबे को इज्जत मिली। जब आए 360 से ज्यादा बुत रखे थे, 360 से ज्यादा बुत रखे थे, हाय हाय बुत रखे थे। अली आए काबा पाक हो गया, और काबे के बुतों को तोड़ने वाले भी अली, काबे के बुतों को तोड़ने वाले भी अली, मौला अली। अब इस पे जाएंगे और बात बढ़ जाएगी। अब अल्लाह ने उनकी वलादत के लिए घर अपना दिया, मुझसे मांगा है मैं अपने घर से दूंगा। जब पैदा हो गए, तीन दिन गुजर गए, मौला अली ने आंखें नहीं खोली। माँ घुट्टी देती है, दूध देती है, मौला अली दूध नहीं लेते, अखा नहीं खोलते, तो मुंह बिच घुट्टी नहीं लेते। तीन दिन गुजरते हैं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, और अपनी चची से पूछते हैं फातिमा बिनत असद से, क्या चची अल्लाह आपको मुबारक करे, सुना आपके घर अल्लाह ने बेटा दिया। तो फरमाने ने कि बेटा, अल्लाह ने बेटा तो दिया है, पर ना वो देखता है ना कुछ खाता पीता है, अजीब बच्चा है। जब उसकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं तो आंखें फेर लेता है, नीच लेता है, मुंह में कोई चीज़ पाने या तो मुड़ के उलट देता है, बाहर सोट देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मौला अली को अपने हाथों पर उठाया, अपने हाथों पर उठाया। जब अपने दस्ते मुबारक पे उठाया
रसूल अल्लाह का उठाना था, रसूल अल्लाह का अपना चेहरा सामने करना था कि मौला अली ने आंखें खोल दी, मौला अली ने आंखें खोल दी। लोग ये कहने ना 6 साल की उम्र में ईमान लाए, वो 6 साल की उम्र में ईमान नहीं लाए, ये वो हस्तियां हैं जो ईमान अपने साथ लेके आए, जो ईमान एक कुल है, ईमान अपने साथ लेके आए। जब रसूल अल्लाह को देखा आंखें खोल ली, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक मौला अली की मुंह में दी, जब मुंह में जबान रखी तो मौला अली ने चूसना शुरू कर दिया। फरमाने लगी चाची ये तो ठीक है, अब आप इसको ले और इसको दूध पिलाएं। फिर मौला अली ने माँ का दूध बाद में पिया, रसूल अल्लाह के लहाबे दान की घुट्टी पहले ली। जिसको कायनात में आते हुए रब ये शऊर अता फरमा दे कि उसकी नजर ये पहचान ले कि अल्लाह का हबीब कौन है, दुनिया ने तो बाद में पहचाने ना, मौला अली ने तो उन्होंने वालिद ने पहले पहचाने। मौला अली के वालिद ने रसूल अल्लाह की नबूवत को उस वक्त पहचाना कि जब अल्लाह के नबी 8 साल के थे, अल्लाह के नबी 8 साल के थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चा पैदा किया, घर अपना दिया, जब आंखें खोलने की बारी आई, घुट्टी देने की बारी आई तो नबी भी अपना दिया, रसूल भी अपना दिया। और फिर जब बच्चे के नाम रखने की बारी आई, लोगों ने कहा यार इधर नाम ही रखिए, अल्लाह ने फरमाया नाम ही मेरा रखो अली, अल्लाह ने नाम भी अपना दिया। ये वो वाहिद नाम है जो खालिक और मखलूक के दरमियान मुश्तरक है। हम कहते हैं ना वाह वल अलीयुल अजीम, कि अल्लाह अली भी है अल्लाह अजीम भी है। कहते हो ना अली किसका नाम है, अल्लाह का नाम। आए हाय ओ अली नु समझण वास्ते अकल भी अली चाहिए, अकल आली हो तो अली समझ में आता है। ये साड़ी तुहाड़ी समझ जाने वाली जात नहीं। अल्लाह ने नाम अपना दिया, घर अपना, महबूब अपना, नाम अपना। अब जब मौला अली करमुल्लाजुल करीम ने होश संभाला, शबाब को पहुंचे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद, चलें ये अगली बात हो गई, पहली बात ये घर अपना दिया, नाम अपना दिया, देखने के लिए हबीब अपना दिया। और अगली गल ये आ गई कि जे कायनात में कोई ये पूछे कि दसो बच्चा लगता कि वाला किसकी तरह लगता है, देखो तो किसकी तरह लगता है, फरमाया वजहुल्ला, अल्लाह अकबर, फरमाया वजहुल्ला, देखोगे उसके चेहरे को तो ज्यारत, चेहरे की ज्यारत अली की करोगे तो ज्यारत रब की होगी। दिखता किसकी तरह है, फरमाया वजहुल्ला। फिर आई बारी उनके देखने की कि वो कैसे देखता है, फरमाया आइन अल्लाह, वो ऐसे देखता है जैसे खुदा देखता है, अल्लाह की आंख देखती है। अब जब बात आ गई उनकी कुवत की, शाह मर्दा शेर यजदा कुवत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, कि भाई कुवत कैसी है, ताकत कैसी है, फरमाया यदुल्लाह, कुवत भी अल्लाह की रखता है। कुवत किसकी रखता है, अल्लाह की रखता है। समझ आती जाती है तुम्हारा। और जब मौला अली पाक हालत तिफलगी से निकलते हैं, मुख्तसर करके आगे चलता हूँ, हालत शबाब को पहुँचते हैं, हज़रत सैयदा कायनात से अकद की बारी आती है, असा तुसा दे घर जे बच्चा जवान होवे ना, तो उसके वालदेन चचे मामे ताए रिश्तेदार अजीज जानन बच्ची वाले दे घर जाके रिश्ता मंगना, यही होता है ना, एवं जाके मंगते हो रिश्ते। जब मौला अली पाक के रिश्ते की बारी आती है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में बैठ के ऐलान फरमाते हैं
कि मुझसे मेरी बेटी सैयदाए कायनात का रिश्ता रब ने अली के लिए मांग लिया। सैयदाए कायनात का रिश्ता किसने मांगा? रब ने मांगा। जब रब ने मांगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुहानू बड़ी कम दी गल दस्सदा, बड़ी मोहब्बत वाली बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब का पैगाम सहाबा को सुनाने के बाद मौला अली पाक को अपनी बारगाह में बुलाते हैं 500 दिरहम का इंतज़ाम करने के बाद, इजाज़त लेने के लिए, निकाह की इजाज़त लेने के लिए हज़रत सैयदाए कायनात के पास जाते हैं और जाके फरमाते हैं कि फ़ातिमा, मुझे मेरे रब का हुक्म है कि मैं तेरा निकाह 500 दिरहम के इवज़ अली से कर दूँ, तो क्या तुम मुझे इस निकाह की इजाज़त देती हो? तुम्हें ये निकाह कबूल है? तो हज़रत सैयदाए कायनात अलैहिस्सलाम उनके ज़र्फ़े कुर्बान हैं, उन्होंने वे कह रहे हैं कि हम रब कह रहे हैं, डिमांड आ गई रब दी। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह रिश्ता कौन मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि फातिमा मेरा रब मांगता है। तो कहने लगे फिर या रसूल अल्लाह, अली तो कबूल है पर मैर कबूल है? अली कबूल है, ये मैर कबूल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, अच्छा फातिमा तो बेटा क्या मैर होना चाहिए? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह एवें नहीं, गल्ला नाले नहीं होना, जे दे सकते हो महर आप दे सकते हैं और आप ये फरमाते हैं कि मेरा रब रिश्ता मांगता है, तो जाओ जाके पहले अपने रब तो पूछो ना, जो फातिमा मंगती है देगा? जे देगा तो फिर निकाह कबूल है, और अगर नहीं दे सकता तो फिर भाई मुझे ये निकाह कबूल है। जिब्राइल अमीन आके खड़े होते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जो फातिमा तो जहरा कहती हैं अदा कर दे, दे दो। तो हज़रत सैयदाए कायनात ने फरमाया या रसूल अल्लाह ज़बानी कलामी नहीं, मैनू लिख के दो, मुझे रुका बनवा के दें, जो मैं मांगूंगी वो रब अता करेगा तो फिर मुझे निकाह कबूल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अच्छा चलो मैं लिख के देता हूँ, लिखवा देता हूँ। तो लिखवाने में उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अर्ज की या रसूल अल्लाह, कायनात आलम के सारे खजाने, जमीनों आसमां के सारे खजाने, सारी मादनियात, कायनात का हर खजाना, हर चीज ये मेरे महर में ले गए। जाहिर तो देखने में हाथों से चक्की पीसती है लेकिन महर के अंदर सारी कायनात रखती है, इसीलिए सैयदाए कायनात है। फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, सारी कायनात की तमाम मादनियात जमादात हर चीज मेरे महर में। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है फातिमा, ये तेरे महर में। और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, जद दा मैं होश संभालिया है तो सजदियां के अंदर गिर के पूरी पूरी रात तुहानू तुहाड़ी उम्मत दे वास्ते रोंदा वेख्या, या रसूल अल्लाह मुझे ये भी लिख के दें कि कल कयामत के दिन मैदान हशर में मैं पुलसरात पे खड़ी होंगी और जिस जिसकी मैं शफात करूंगी अल्लाह उसको जन्नत में लेके जाएगा। दूसरे लफ्जा में जे कह लो जिन्हों कायनात जन्नत कहती है वो फातिमा तो जहरा का मेहर है, कायनात जिसको जन्नत कहती है, दुनिया जिसको जन्नत समझती है, वो हमारी सैयदाए कायनात फातिमा तो जहरा का मेहर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदाए कायनात को ये रुका लिख के दिया और जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने मौला अली पाक को वसीयत की और फरमाने लगी कि अली जब मैं मर जाऊं तो ये रुका कब्र में मेरे साथ रखना, कल रब का ये जो एग्रीमेंट है ना, ये रुका लेके मैं अल्लाह की बारगाह में उठूंगी और उस वक्त तक मैंने पुलसरात से नहीं हटना जब तक कि अपने बाबा की उम्मत को ना बख्शवा दूं। दोया लफ्जों के अंदर इन्हीं गल याद रख लो कि जिसन असी तुसी कहने ना महर है, ये जन्नत कहने है, जिसको मैं और आप उलमा क्या कहते हैं,
जन्नत कहते हैं, हकीकत में वो सजदा है कायनात का महल है। कायनात की जन्नत सैयदा ए कायनात का महर है। अल्लाह अकबर। और आप ये भी याद रखें एक बहुत प्यारी हदीस, हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला नो, और ये अहले सुन्नत की किताब है युनादी अल मुवद्दा, उसके अंदर रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली मा मिस्लो का फिन्नास इल्ला का मसाले सूरा कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। ए अली, तेरी मिसाल सारी कायनात दे इंसाना बिच एवें है जिस तरह कुरान दे अंदर सूरा इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये किसकी मिसाल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मौला अली तेरी मिसाल है मैं, कि जिसने एक बार पढ़ ली एक तिहाई कुरान का सवाब, दो बार पढ़ ली दो तिहाई कुरान का सवाब, तीन बार पढ़ ली तीन तिहाई पूरे कुरान का सवाब। गल समझ आ रही है? पूरे दे पूरे कुरान का सवाब। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अली तेरी मिसाल एवें है, और आगे फिर तफसील में फरमाया कि जिसने दिल में तेरे लिए मोहब्बत रखी गोया उसने ईमान का तीसरा हिस्सा पा लिया, उसने ईमान का तीसरा हिस्सा पा लिया, और जिसने दिल के अलावा दिल में भी मोहब्बत रखी जबान से भी इजहार किया गोया कि उसने ईमान के दो हिस्सों को पा लिया, उसने ईमान के दो हिस्सों को पा लिया, और जिसने दिल में भी मोहब्बत रखी जबान से भी इजहार किया, और जहां कोई ऊंची नीची बात करे कुवत के लिए जिसने हाथ भी उठाया, जिसने दस्ते बाजू का भी सहारा लिया उसने सारा ईमान मुकम्मल कर लिया। मन अहब्बा का भी कल्ब ही वालिसान ही वयद ही, जिस जगह तक गल आई ना मौला अली के खिलाफ कोई बेअदबी या गुस्ताखी दी उथे जिन्हें डंडा भी चुक लिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया उन्हें सारा ईमान मुकम्मल कर लिया, उसने वजामा अल ईमान कुल्लहु उसने सारा ईमान जमा कर लिया, जिसने फकत दिल में मौला अली से मोहब्बत रखी ईमान का एक हिस्सा, जबान से भी इजहार किया मगर जो उसके सामने कोई बोलिया तो डर नाल सिर नहीं चुकया कि यार चलो झगड़ा नहीं करना कुवत का इस्तेमाल नहीं करना, ईमान के दो हिस्से, जिसने दिल में भी ईमान रखा जबान से भी अली अली के नारे लगाए, और जहां बात मौला अली की शान में तनकीस की आई वहां उसने कुवत का भी इस्तेमाल किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसने कुल ईमान को जमा कर लिया, सारे के सारे ईमान को जमा कर लिया। और एक दूसरी हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वल्लज़ी बासानी बिहक नबीयन, वल्लज़ी मैनू कसम है उस जात दी जिसने मैनू हक दे नाल नबी बना के भेजा, हक दे नाल नबी बना के भेजा, लाओ अहबका अहलुल अर्द कमा युहिब्बुका अहलु समा, ए अली मैनू कसम उस जात दी जिसने मैनू हक दा रसूल बना के भेजा, जे तेरे नाल जमीन ते रहण वाले एवें मुहब्बत करन जिस तरह तेरे नाल आसमाना ते रहण वाले मुहब्बत करदे। अल्लाह अकबर। गल नहीं समझे? जे जमीन वाले भी एवें तेरी जात नाल मुहब्बत करन जिस तरह आसमान की मखलूक तो इसे मोहब्बत करती है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लम्मा अज़हब अल्लाहु अहदम मिनहुम बिन्नार, अल्लाह उन्हें बिचो किसी हित नूं भी कयामत दे दिन जहन्नम भेजना सोचे। अगर अहले अर्द ऐसे मोहब्बत करें
जैसे अहले समा करते हैं। तो मैनु अपने रब की इज्जत की कसम, अल्लाह ताला किसी एक नूमी क्यामत दे दिन जहन्नम दे अंदर दाखिल ही नहीं करना। तो साबित की होया जिड़ी चीज़ जन्नत और जहन्नम दे दरमियान फर्क है ना, वो क्या है? वो मौला अली की ज़ात है। वो क्या है? मौला अली की ज़ात है। और आपको एक बहुत प्यारी इस पर हदीस मुबारक सुना देता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक आया मुबारक है कि वाकिफू हम इन न हम मसूलून। अब यहाँ पे मैं इसको कोट करना भूल गया हूँ। वाकिफू हम इन न हम मसूलून कि कयामत के दिन जब मैदान हशर के अंदर हिसाब किताब का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जन्नत वाले जन्नत के रास्ते पे, जहन्नम वाले जहन्नम के रास्ते पे, जहन्नम वाले जहन्नम के रास्ते पे, उनको जहन्नम का लिबास पहना दिया गया, जहन्नम के फरिश्ते आ गए, जंजीर डाल दिए गए, बांध के जहन्नम की तरफ ले जाने लगे। तो जदू बिल्कुल जहन्नम दे एन गढ़ ते पहुँच गए ना, तो रब उथे जाके रोक लेगा। अल्लाह अल्लाह उधर जाके रोक लेगा और फरमाएगा कि वाकिफू हम इन्नहुम मसूलून, इनको रोक लो, अभी इनसे मेरा एक सवाल बाकी है। अल्लाह सुटना ना, जिड़ी चीज़ जहन्नम दे गड़े ते जाके रोक लेवे ना, अल्लाह ने फरमाया वाकिफू हम इन्नहुम मसूलून, रोक लो, इनसे मैंने एक सवाल और करना है। अब यहाँ पे रवायत करते हैं उलमा मुफस्सरीन कि वो जो सवाल होगा वो किसके बारे में होगा? वो मौला अली की शान वलायत का होगा। जो चीज़ जहन्नम के गले से वापस ले आएगी वो मौला अली की मोहब्बत है, मौला अली की शान वलायत है। अल्लाह उसे जाके पूछेगा कि भाई इन्हें रोको, मैं एक चीज़ और पूछ लेना, जे ए दस देवन तो फिर भी जन्नत ले जाओ, फिर भी बाक दो। वहाँ जाके जिस चीज़ का सवाल किया जाएगा वो वलायत अली का सवाल होगा, वलायत अली का सवाल होगा जो जहन्नम के गड़े से बचा लेगा। अल्लाह के नबी ने इसी वास्ते फरमाया ना कि अल्लाह जहन्नम में दाखिल ही किसी को ना करता जो मेरे अली नाल एवें मोहब्बत कर लेंगे जिस तरह अहले समा करता, जिस तरह अहले समा करते हैं। अब और मुख्तसर करके आगे ले जाता हूँ इसको कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक को सब आदमियों ने बहुत दिमाग हाजिर रख के सुनना है और इसके अंदर जो निकात है ना उनको अपने जहन निशीन करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुम्मे गदीर के मौका पे तमाम सहाबा को जमा फरमाया, तमाम सहाबा को जमा फरमाया। अभी आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम ये नहीं उतरे, इससे पहले जो चीज़ है वो क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा फरमाया और ऊँट के कजावों को जमा करके एक मिंबर बनवाया, बुलंद मिंबर बनवाया और मिंबर के ऊपर मौला अली पाक का हाथ पकड़ा और ले जाके अपने साथ खड़ा किया, खड़ा करके तमाम सहाबा को मुखातब करके फरमाया और क्या फरमाया? अल्लाह तालम, क्या तुम सब ये नहीं जानते? इन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मैं तमाम मोमिनीन से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब हूँ और मैं हर मोमिन पे उससे ज़्यादा उसकी जान पे हक रखता हूँ। औला किनू कहनन? जड़ा साड़ी जान ते साड़े को लो ज़्यादा हक रखे उस जात नू कहनन औला। गल समझ आ गई थानू? कितने लोग होते कहते नहीं मौला का तर्जुमा करें, मन कौन तो मौला, वही हम क्यों तर्जुमा करें? जो रसूल अल्लाह ने फरमाया वो क्यों नहीं सुना तुमने? तुसा खाली इन्ना सुनया है, पिछली इबारत ना लाओ। अल्लाह के नबी फरमाने इन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम,
कि मैं सारे मोमना दी जाना तो ज्यादा उनकी जात पे मैं हक रखता हूँ। तो सारे साहबा ने जवाब में अर्ज की, बला या रसूलल्लाह, हाँ या रसूलल्लाह, जैसे आपने फरमा दिया ये हक है। तो आपने फरमाया फिर सुनो, मौला अली का हाथ पकड़ा, बुलंद किया और फरमाने लगे, मन कुन तो मौला फहाजा अली और मौला। हम बात कर रहे थे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ गए, ऐलान क्या फरमाया, मन कुन तो मौला फहाजा अली और मौला, कायामत तक, अजल से लेके अब तक, हर वो शख्स, वो जात जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। लोग कहने मौला का तर्जुमा करो जी, मौला का तर्जुमा रसूल अल्लाह ने 1400 साल पहले फरमाया कि मौला उसको कहते हैं जो आउला, मौला किसको कहते हैं जो आउला हो, जो आउला हो वो मौला होता है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के मौला, सारे नबियों के मौला, सारी कायनात के मौला, इसी तरह मौला अली पाक सारे अंबिया के, सारी कायनात के मौला। गल समझ आ गई तुम्हें भी नहीं, मौला का मतलब समझ आ गया। अब इसमें किसी को मरोड़ पड़े आप जवाब तो दे सकते हैं ना, इन्हीं एक हदीस सुनी दी होंगी है खाली, मन कुन तो मौला फहाजा अली और मौला। और ये तो सुनो कि ये को पिछे अल्लाह के नबी ने दावत के अल्फाज नाल दी, ये तो ऐलान है, अल्फाज दावत ये हैं, अल्लाह तआलमु इन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मैं सारे मोमिनीन दी जाना तो ज्यादा उन्होंने उत्ते हक रखता हूँ और ये हक मैनू मेरे रब ने दिता है। अब जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली पाक की वलायत का ऐलान फरमाया तो जो सहाबा थे, जो मोहब्बत वाले थे, उन्होंने तो मान लिया, इकरार कर लिया, इकरार कर लिया। और जो नहीं मानने वाले थे उनको मरोड़ पड़ना शुरू हो गया। और उस ज़माने में हदीस की रवायत में आता है कि एक आदमी आया, उसका नाम था हारिस, हारिस बिन नुमान फहरी, हारिस बिन नुमान फहरी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। सहाबी तो था, सहाबी तो था, लेकिन मौला अली के मीज़ान पे नहीं उतरता था, तराजू से लंघन वाला नहीं था। उन्हें आन के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह, आपने हमें अल्लाह की वादा नियत का हुक्म दिया तो हमने अल्लाह को एक माना। गल सुनो मेरी, समझो, तुसाने किया कि अल्लाह है कि असने मान लिया, तुसाने अपनी नबूवत का ऐलान किया, हमने आपको मोहम्मद रसूल अल्लाह मान लिया, आपने हमें नमाज का हुक्म दिया, हमने नमाज कायम कर ली, आपने ज़कात का हुक्म दिया, हमने ज़कात भी अदा कर दी, आपने हमें रमज़ान का हुक्म दिया, हमने रोज़े भी रख लिए, या रसूल अल्लाह हज का हुक्म दिता तो असने हज भी कर लिया। तो हुण मैनू सिर्फ इन्नी ही गल दसो कि जिहड़ा मौला अली की वलायत का ऐलान फरमाया है, ये आपने अपनी तरफ से फरमाया है कि अल्लाह की तरफ से फरमाया? अल्लाह अकबर, नहीं समझे, मौला अली की वलायत का ऐलान या रसूल अल्लाह, ये आपकी तरफ से है या आपके रब की तरफ से है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे रब की तरफ से है, इस चीज़ का हुक्म मेरे अल्लाह ने दिया कि मैं अली की वलायत का ऐलान करूँ। तो उसने उसी टाइम किया कि अच्छा, तो फिर या रसूल अल्लाह, ये तो काम साढ़े तो बड़ा भार है, फिर तुम एवें करो, माज़अल्लाह, उसने कहा कि अपने रब न को कि जे अली की वलायत को मनना रब की तरफ है तो फिर अल्लाह साढ़े ते पत्थर बरसा, माज़अल्लाह, उन्हें क्या फिर रब साढ़े ते पत्थर बरसावे। और उसी वक्त एक आसमान से पत्थर उतरा, वो उसके सर से चीरता हुआ दुबर से जाकर बाहर निकला, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को कुरान में ऐसे इरशाद फरमाया कि वाइज़ा सआला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ेह, उस वक्त एक साइल ने वाक़े होने वाले
अजाब का सवाल किया कि जे अली दी वलायत रब दी तरफो है तो फिर भाई अल्लाह नू को जे रब तुहाड़ा सच है तो साढ़े तो पत्थर बरसा है। जब उसने ये सवाल किया अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मुकाम पे आसमान से पत्थर नाजल किया, सर को चीर के उसकी दुबर से बाहर निकल गया और वो आदमी उधर हलाक हो गया, उधर ही हलाक हो गया। तो मौला अली की वलायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तरफ से नहीं है, ये रब की तरफ से। और जब ये ऐलान हो गया मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया कि जा के मेरे नबी से कह दे कि वो कुरान जो इकरा भी इसमें रब कल्लाजी से शुरू हुआ था, आज अकमल तो लकुम दीनकुम अल यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम, ये आयात उस वक्त नाजल हुई जब उनसे पहले मौला अली की वलायत का ऐलान हो, आज दीन मुकम्मल हो गया। आज क्या हो गया? दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह अकबर। और मौला अली पाक अलैहिस्सलाम, थानू एक और बड़ी काम की गल दसदा हूँ, फिर पिछले मौजू की तरफ मुड़ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के मानने वाले हैं, सहाबा के कदमों की जूतियों की खाक पे कुर्बान। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी, जो भी रसूल अल्लाह के सहाबी हैं, रसूल अल्लाह के साथी हैं, हमारे सारे आँखों पर। मगर ये सारे के सारे सहाबा इस्लाम की शान हैं, गुजर गए, उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी ताज़ीम रसूलल्लाह की नस्बत से हमारे लिए वाजब है। ये गुजर गए, इतों अगे मुड़ इन्होंने फिर नहीं आना, गल नहीं समझी, इतों अगे मुड़ के फिर इन्होंने नहीं आना। पर याद रखो जदू ऐसा नहीं कबर में जाना है अल्लाह का रसूल, हशर में जाना है तो अर्श पे अल्लाह का रसूल, हौज़े कौसर पे जाना है तो मौला अली। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन हौज़े कौसर पे जो मुझसे सबसे पहले पहुंचेगा, मेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा, वो मौला अली की ज़ात है। कयामत के दिन हौज़े कौसर जिसके हाथों से बटेगा वो मौला अली की ज़ात है। जब जन्नतियों की सफ़ें बनेंगी, मर्दों की बनेंगी तो हसनैन करीमैन के कदमों से, औरतों की सफ़े बनेंगी तो सईदा कायनात के कदमों से, पुलसरात पे पहुंचेंगे तो जन्नत और जहन्नम की टिकट मोर कौन लगाएगा? मौला अली लगाएंगे। और ये रवायत भी हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक से है। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अली कल कयामत के दिन पुलसरात पे आप खड़े होंगे, जन्नत और जहन्नम की मोर पर अल्लाह आपको अख्तियार देगा, जन्नत और जन्नत की टिकटें आप बांटेंगे। तो मौला अली ने फरमाया कि हाँ मैंने भी रसूल अल्लाह की ज़बान से सुना है, मगर आपने मुझे ये फरमाया कि अली क़यामत के दिन जन्नत की टिकट, जन्नत की मोर उन्हों देनी है जो अबू बकर नाल मुहब्बत रखता हो, जो अबू बकर से भी मुहब्बत रखता हो। उस रात पर कौन खड़ा होगा? मौला अली। मौला अली खड़े होंगे और पुलसरात के ऊपर सईदा कायनात फातिमा तो ज़हरा खड़ी हो। और ये जो हदीस मुबारक मैंने पढ़ी थी ना, इसके बारे में आता है अल्लाह अकबर कि हज़रत सईदा कायनात जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल कर रही होंगी, फैज़ा सारत अला सरात व तलबत मोहूरा, उत्थे खलण गई हज़रत सईदा कायनात और कहणगे कि मेरा मेहर दो, रब नू कहणगे कि मेरा मेहर दो। रब ने किया ना वादा, रसूल अल्लाह ने लिख के दे दिता, सईदा ने कयामत दे दिन पुलसरात के उत्ते खलो जाना है, तो रब नू कहना कि रब तू लिख के देता सी, तू लिखवाया सी, आज फातिमा तो ज़हरा तू इसे मेहर मांगती है, दे दे। तो अल्लाह फिर पूछेगा कि फातिमा तो ज़हरा ऐ सैयदा आप क्या चाहती हैं? वो जवाब में क्या फरमाएंगी कि ऐ अल्लाह तू मेरे बाबा की उम्मत को बख्शता जा, जन्नत सैयदा कायनात का महर, जन्नत सैयदा कायनात का महर।
अल्लाह अकबर। अब अहले बैत की शान के हवाले से आगे चलेंगे तो मज़ीद मौजू बढ़ता जाएगा। अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सानू समझण दी तौफीक अता फरमावे। अभी इसी के साथ में आपसे इजाज़त चाहूँगा और आखिर पे अपने जो मेरे दोस्त हैं मिनहाजुल कुरान वाले और लोग सारे जो अहले तरीकत बैठे हैं, आपके लिए एक बड़े ज़ोक की बात बताता हूँ, अपने वजदान अकीदे और ईमान की बात बताता हूँ कि मैं आज से 3 साल पहले आइसलैंड और कुछ मशरकी ममालिक के दौरे के लिए निकला था। जब वापस आने लगा तो मैं टिकट ले ली, हली मेरी फ़्लाइट पे 6 दिन बाकी थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना करम फरमाया और मुझे अल्लाह के हबीब की बारगाह पाक की ज़्यारत हुई। उस वक्त की बात करता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके करम से ज़िंदगी में लातादाद मरतबा आपकी ज़्यारत की, लेकिन उस वक़्त मुझे जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक की ज़्यारत होती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में मुझे अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब से मुलाकात होती है, किबला साहब से मुलाकात होती है। मेरे उस्ताद हैं, इसलिए नहीं कह रहा, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो उस बारगाह की है कि जहाँ जिन्हों की कहते हो हाफ़िज़ साहब गुमान नक्स जहाँ नहीं, शैतान का गुजर जहाँ से नहीं हो सकता। मन रानी फ़कत राय अलहक, मेरी किबला साहब से मुलाकात होती है और किबला साहब से मुलाकात के बाद उनके लिए बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बहुत खूबसूरत कुर्सी नशिस्त बनी हुई है और उस नशिस्त पे बैठ के वो ख़ताब फरमाते हैं और मैं उनके कदमों में बैठ के 36 या 40 मिनट उनका ख़ताब सुनता हूँ, उनका ख़ताब सुनता हूँ। अब किबला से जब मैंने उस मुकाम पे मेरी उनसे मुलाकात हुई और आप परवाज़ करके उस कुर्सी तक जाते हैं, मैं भी आपके साथ जाता हूँ, वो परवाज़ करके उस कुर्सी तक जाते हैं तो किबला का उस बारगाह के अंदर मुकाम नशिस्त और अंदाजे परवास जो मेरी समझ में आया है ना, मैं आपको वो बता देता हूँ कि किबला को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारगाह में मुकाम हासिल है ना, हम सूफिया उस मुकाम को मुकाम कुतुब इरशाद कहते हैं, मुकाम कुतुब इरशाद कहते हैं। और कुतुब इरशाद का औलिया अल्लाह के अंदर ये दर्जा है कि जब तक कुतुब इरशाद हयात हो, हयात में हो, उस वक़्त तक कोई भी दूसरा आदमी वो से वक्त होने का दावा नहीं कर सकता। उस वक्त तक का मुकाम गौसियत कुतुब इरशाद को हासिल होता है। सिर्फ इन्ना होता है कि जो तुम कोई हस्ती साढ़े दरमियान मौजूद होवे ना, उसकी कदर नहीं होती, उसका इलम नहीं होता। इलम तब होता है जब वो नज़रों से चला जाता है, जब बेदार था वक्त तो बंद रही आँखें, शायर ने कहा ना, जब बेदार था वक्त, आज किस्मत बेदार है कि जाएं मिले ऐसे लोगों से, कस्बे फैज़ करें, ऐसे लोगों से मुलाकात करें और सआदत हासिल करें इस चीज़ की। जब बेदार था वक्त तो बंद रही आंखें, जब बंद हुई आंखें तो बेदार वक्त हुआ, जब अखा बंद हो जानी हैं तो फिर पता चलता कौन किस मुकाम थे। अल्लाह तबारक व तआला सानू तुहानू सारियां नू अहले बैत की मुहब्बत अता फरमावे, उन्होंने पक्का सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमावे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।